मेरी पिछली वीडियो देख के ये तो समझ में आ गया है कि आपको गायनेकोमास्टिया की प्रॉब्लम है, लेकिन समस्या ये है कि उसको ठीक कैसे करें। हम ये नहीं जानते हैं कि डॉक्टर साहब अब इसको ठीक कैसे करें, ये भी बता दीजिए कि क्या इसका इलाज है या जिंदगी भर ऐसे ही रहना पड़ेगा लूज कपड़ों में, बिना एक्सरसाइज करे, पढ़ाई से मन हटा के, लो कॉन्फिडेंस के साथ। तो ये नॉर्मली सिम्टम्स होते हैं हर गायनेकोमास्टिया के पेशेंट के, लेकिन करना क्या है? तो आप में से कुछ लोग दवाइयां देते हैं, अपने लोकल डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सरसाइज कर लो, ये होम्योपैथी खा लो, टेमोक्सिफेन खा लो। जिम वाला इंस्ट्रक्टर बोलता है कि आप ये स्टेरॉयड टेस्टोस्टेरोन कटिंग दवाइयां ले लो, स्टेरॉयड कटिंग दवाइयां खा लो, ठीक हो जाएगा। आज तक किसी का नहीं हुआ। सो कई दोस्त भी होंगे आपके जो सीक्रेटली दवाई ले रहे हैं या जिम जा रहे हैं, लेकिन उनका ठीक नहीं हुआ। आप पूछेंगे तो बताएंगे नहीं आप। और कई दोस्त ऐसे भी होंगे आपके जो सर्जरी करा चुका है लेकिन बताएगा नहीं आपको, बोलेगा मेरा तो दवाइयों से ठीक हो गया। ऐसा भी होता है, और स्पेशली अगर उसने डिवाइन से सर्जरी कराई है, बिल्कुल भी नहीं बताएगा, बिकॉज निशान ही नहीं होता, कोई एविडेंस ही नहीं होता कि कोई सर्जरी हुई। आप उसकी चेस्ट भी देखेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि सर्जरी इतनी फाइन तरीके से सर्जरी होती है। तो वो बोलेगा नहीं मेरा तो दवाइयों से ठीक हो गया, और आपकी बातों में आप गुमराह हो जाएंगे। सो ट्रीटमेंट है क्या? ट्रीटमेंट बहुत आसान है, ये ट्रीटमेंट मेरी इस बुक में लिखा है। अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट में अपना फोन नंबर भेजिएगा, मेरी टीम आपको ये बुक फ्री, ये बुक 500 रुपीज की है, लेकिन ये बुक आपको फ्री PDF आपके पास पहुंच जाएगा। हम क्यों भेजना चाहते हैं फ्री में आपको? ताकि आप अपनी जिंदगी चेंज कर सके, गायनेकोमास्टिया का इलाज करा सके, न्यू तरीके से गायनेकोमास्टिया 360 4DX अप्रोच से कराएंगे, तो उससे अच्छा रिजल्ट आपको दुनिया में कोई नहीं दे सकता। ये मेरी बनाई टेक्निक है जो आज दिल्ली में बहुत डॉक्टर्स यूज कर रहे हैं, उसकी बुक भी लिख चुका हूं। अगर आपको गायनेकोमास्टिया है तो उसका इलाज सिर्फ गायनेकोमास्टिया 360 4DX अप्रोच है, और कोई तरीका नहीं, सिर्फ सर्जरी, वो भी सिर्फ प्लास्टिक सर्जन से। प्लास्टिक सर्जन एक्सपीरियंस होनी चाहिए, वरना आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। सो अगर मैं समराइज करूं, सबसे पहली चीज गायनेकोमास्टिया आइडेंटिफाई कीजिए, और उसके बाद गायनेकोमास्टिया 360 से उसका इलाज कराएंगे, तो ही आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा।